तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स आपका इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं होता है, तो क्या किया जाए? यहाँ पे बाई पार्ट की जरूरत पड़ेगी, और इसका मतलब दो फंक्शन जनरेट करने पड़ेंगे। तो वन मल्टीप्लाई करके वन एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। अब वन एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और टेन इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब सीक्वेंस में ये पहले आ रहा है तो इसे फर्स्ट एज्यूम करेंगे और ये सेकेंड हो गया। बाई पार्ट का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, क्या होता है आपका फर्स्ट दैट मीन्स टेन इनवर्स एक्स और इंटीग्रल ऑफ वन सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब टेन इनवर्स एक्स और इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स एंड फाइनल डी एक्स हो गया आउटर इंटीग्रल के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स एक्स वन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा और माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड उसका एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर अपीयर कराया जा सकता है, वन इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, है ना, और इसका डेरिवेटिव टू एक्स आएगा तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, ये एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म हो गया, जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। एफ एक्स मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी फॉर ऑल एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, ये इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट है, और ये कॉपी कर लेते हैं हम टेन इनवर्स एक्स, एक्स पहले लेते हैं, दैट इज योर फाइनल आंसर।